तो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं जा रहा हूँ मेरा शहर का एक बहुत बड़ा स्टैचू देखने में। उसका नाम है कर्जुन गेट, जिसने बनाया है लॉर्ड कर्जुन ने। तो आज जा रहे हैं हम उधर, आप लोग मेरे साथ बनते रहो। दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये कर्जुन गेट मेरा घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और उधर हमारा एक दोस्त आएगा और उसके साथ हम जाएंगे। आज थोड़ा काम भी है। हम रहते डिस्ट्रिक्ट वर्धमान में, वेस्ट बंगाल का, तो वही वर्धमान में यही कर्जुन गेट है। मैं जाएंगे रोड पे और रोड से पकड़ेंगे एक बस, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रोड पे, जिधर से हम बस पकड़ेंगे। ये है दिल्ली रोड, जिसका और एक नाम है जीटी रोड बोलता है इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये हमारा घर का पास ही है। हम ये रोड से बस पकड़ के जाएंगे कर्जुन गेट देखने। अभी हम बस स्टैंड पे खड़ा है, बस आएगा और हम जाएंगे। तो दोस्तों, ये आ गया मेरा कार। अरे बाबा, अभी माफ़ करना, मेरा कोई कार वार नहीं है, मजाक कर रहा था। हम बस में ही जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खुद का अभी कोई कार बाइक वगैरह नहीं है, मजाक कर रहा था। तो दोस्तों, देख सकते हो मेरा बस आ गया। यही मेरा बस है, इसमें हम जाएंगे कर्जुन गेट। अभी रुक 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 रुक, रुक। इतना आगे चल गया ये लड़की, देखिए ना, बस भी आगे चला जाता है यार। आप ढूंढने लगा सीट किधर है। थोड़ा बहुत भीड़ है और मैंने देख लिया आगे एक सीट है खिड़की का पास, और मेरे को एक खिड़की के पास ही यही वाला सीट पे बैठना है। और ये सीट में बैठने के बाद मैं समझा कि बहुत धूप था इधर, मेरा पिछवाड़ा गर्म हो गया था यार, ये फंस गया सी है हो गया था, इसलिए पिछवाड़ा अभी गर्म हो गया था। कोई ना, चलो हम चलते रहा चलते रहा, चलते चलते देखा कि इधर दीवार पे लिखा था कैप्टन। कोई ना, चलो इधर देखा, मिट्टी विट्टी खोद रहा था क्या यार, पता नहीं, लोगों का काम यही। उसके बाद ये है सेंट पॉल स्कूल, अगर किसी को पढ़ाई करना है तो आ जाओ इधर, पढ़ाई वढ़ाई कर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखा ये सुजुकी का शोरूम था, बहुत गड्डी वड्डी था, मेरा काम का नहीं है वो। उसके बाद फिर दिखा ये खोदने वाला काम चल रहा है, मतलब बड़ा हरामी हो बेटा। ब्रिज इधर ट्रैफिक में फंस गया था। उसके बाद मेरा दोस्त चढ़ गया बस में, उसको सीट वगैरह कुछ नहीं मिला, उसके लिए मतलब मेरा बहुत ख़राब लग रहा था, दुख हो रहा था, बेचारा खड़ा खड़ा होकर क्या कर रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए एटीएम पे, एटीएम से उसको थोड़ा सा बहुत पैसा निकालना था। पैसे निकालने के बाद हम लोग आ गए इधर बंगाल पेपर्स, थोड़ा सामान खरीदना था स्टडी का। बेचारा बहुत टेंशन में था, इधर कितना पैसा खर्च हो रहा है। कोई ना, इधर बंगाली में लिखा है बंगाल पेपर्स, क्योंकि बंगाल का है ना, तो थोड़ा बहुत बंगाली में भी लिखा होता है। बहुत भीड़ था दुकान पे, इतना भीड़। उसके बाद हम लोग आ गए इधर लस्सी का दुकान पे, इतना भीड़ था, हमको पता ही नहीं था यार मेरा डिस्ट्रिक्ट में इतना लोग रहता है। उसके बाद हम सोचा हम भी थोड़ा लस्सी वगैरह ले ले। उसके बाद हम लस्सी मंगाया और दुकानदार ने लस्सी दिया मेरे को, दो दो लस्सी दिया। हम सोचे थे कि दो ही पी ले, उसके बाद सोचा यार मेरा दोस्त भी है। उसके बाद हम दोनों मिलकर लस्सी पिया। तो हेलो दोस्तों, हम दोनों आए कर्जुन गेट देखने में। ये अरे ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग थोड़ा स्टडी का सामान भी खरीद लिया, इधर थोड़ा बहुत जूस भी पी लिया। ये कर्जुन गेट बहुत अच्छा है, और भी बहुत कुछ दिखा रहा हूँ। थोड़ा कर्जुन गेट का थोड़ा अच्छा से व्यू दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अभी हमने भारत का पीछा करी, राजा कोरी बंदे आ गए।
हेलो दोस्तों, आज हम लोग घर जा रहे हैं। हमारा ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। तुम भी बोल दो कुछ लाइक करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, आकाश भाई के लिए सपोर्ट करें, बहुत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।